दर्शक बंधु आजर एक भिडियो आपण खास होगाक जाऊँगी कारण यह भिडियो एभली जड़े साहसी युवती कहानी अच्छी जहाँ शुणी आपण भी जीवन में केवे हारे तेरे डेरी नक आसतु आज भिडियो आरंभ करने। नमस्कार, मु प्राची महापात्र। कहानी एभली जड़े युवती जी आकाशर सीधा खसी पड़े आमाजन जंगल आठ दिन पर्यंत करुले जीवन सह संघर्ष 3200 मीटर ऊपर खसवा पर केमिति सुनसान जंगल रे बंची जाइथिले केमिति निजकु संभाली नेले ताहा ही आपणंकु आश्चर्यचकित करिवो। दर्शक बंधु जुलियाना नामक एही युवतींकर जन्म 10 अक्टोबर 1956 मसीहारे जर्मनी रे होइथिला। साधारण झियटे भली पिलादिन बापा मांको पाखरे कटिला, से स्कूल शेष करिले। जुलियाना माँ जड़े जीवविज्ञानी थिले माने बायोलॉजिस्ट, से अनेक समय रे निज काम पई बाहर को जानती। दिने जुलियाना 17 वर्ष बयस रे निज माँ सहित बाहर को जीवा को प्रस्तुत हेले। एथर जुलियाना निज माँ सह पेरू देश गस्तरे बाहरिले। एही देश आमाजन जंगल पाखरे अवस्थित। उकुर्ता जीवा को थिबा एक विमान रे माँ सह जुलियाना भी यात्रा आरंभ करिबा पई रेडी हो जाइथिले। से दिन पानीपाग खराब थिबारु विमान उड़ाण भरिबा पई विलंब होइथिला। एक घंटार अपेक्षा पर जहाज उड़ीला। 17 वर्षीय जुलियाना और 47 वर्षीय तांको मा मारियाना जाणि नथिले उड़ाण केमिति सेमानंक जीवन आगकु बदलैबाकु जाउछि। दिन 12टारे तांको जहाज आकाशरे 6400 किलोमीटर उपरे उड़ुथिला। अधघंटा जाए सबकिछि नॉर्मल थिला। कळा बादल भितरे उड़ुथिला जहाज। पायलट माने जहाजकु बादलरु उपरकु नेबाकु चेष्टा करुथिले। हुएत से दिन पायलटंक एहि निष्पत्ति भूल थिला। पायलट तोफान बादल भितरे पसी उड़ाजहाज उड़ाउथिले। जहाज जेतिकी ऊपर को उठुथिला कोला बादल सेतिकी भयंकर दिसुथिला। तासह बिजुली भी खूब जोर रे मारुथिला। ठीक एही समय रे गोटे बिजुली विमानर डाहाणपट इंजिन रे बाजी जाइथिला, जो कारणरु इंजिन रे हठात निया लागिगला आउ चाहू चाहू निया पूरा प्लेन को जळाइबाकु लागिला। आगामी किछि क्षण रे विमान हावारे बुली बुली तळकु खसिबाकु लागिला। पूरा जहाजर छोट छोट खंड खसी पड़िबाकु लागिला तळकु। आउ एही समय रे जुलियाना बसिथिबा सीट भांगे जाई जंगल रे खसी पड़िथिला। सीट बेल्ट लगा जाइथिबारु जुलियाना मध्य सीट सह तळकु खसी पड़िले। सीट टी जंगल रे खसिबा समय रे बड़ बड़ गच्छरे माड़ होई खसी खसी तले पड़ुथिबारु जुलियाना बंची जाइथिले। हेले दुई दिन सीट रे बांधी होई सेमती रहिथिले जुलियाना बेहोश अवस्था रे। मुंडरे आघात कारणरु से बेहोश हो जाइथिले। समय अतिक्रम करिबार प्राय 1.5 घंटा पर पुकुर्ता विमान बंदर रे उड़ाजहाज न पहुँचिबारु पायलटंक तरफरु किछि अपडेट न मिलिबारु विमान को खोजिबा आरंभ करा जाइथिला। पूरा दिन खोजिबा परे भी किछि खोज खबर मिलिला नाहे। खूब जोर रे वर्षा कारणरु मध्य निया लिभि जाइथिला, धुआं देखा जाउ नथिला, जहाँफल विमान को ठिकणा करिबा असुविधा होथिला। तेणु खोजिबा भी बंद कर दियागला। एपटे दुई दिन बेहोश रहिबा परे जुलियाना को होश आसिला। आखि खोली से प्रथमे देखिले चारियाडे जंगल ही जंगल। देह सारा खंडिया खाबर कारणरु दुर्बल अनुभव करुथिले जुलियाना। मुंडरे भी शक्त आघात लागिथिला जहा तांकु कष्ट देउथिला। हेले से बंची छंती जेतेबेले आगकु जंगलरु बाहरिबाकु चेष्टा निश्चय करिवे बोली सेही समय रे ही भाबि नैथिले। भाग्यवशतः तांकु पाखरे एक पैकेट थिला जहा जहाजरु खसी पड़िथिला। एथिरे बहुत गुड़िया चॉकलेट थिला। जुलियाना एबे चेष्टा करिले सीट बेल्ट खोलिबा पई। वर्षा कारणरु शरीर रे क्षत थिबारु तांकु ज्वर हो जाइथिला। से चालु चालु केतेबेले बेहोश होई पड़ंती जानि नथिले। एमितिरे 4 दिन बीतिगला। घंच जंगलरु बाहर को बाहरी पारु नथिले जुलियाना। डर भय छानिया भितरे केवल साथ देउथिला निजर साहस। जुलियाना को एक झरणा देखागला। से शुणिथिले प्रत्येक झरणा निकटरे नदी थाए आउ नदी पाखरे जनबसति निश्चय थाए। झरणार झर देखि देखि आगकु बढ़ि चलिले जुलियाना एवं गोटे दिन परे तांकु मिलिगला नदी। जुलियाना से ही नदी को फॉलो करि चलिले। कूल रे चलिबा आरंभ कले।
ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ନଦୀର ବାଲିପଠା କୂଳ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ନଦୀ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବହିଯାଉଥିଲା ସେଇଆଡ଼େ ସେଇଆଡ଼େ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଏମିତି କରି 8 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଜୁଲିଆନା ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାହସ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବି ଟାଣ ହୋଇଚାଲିଥିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ କିଛି ମାଛ ଧରାଳି। ସେ ଡାକ ପକାଇଲେ ଆଉ ସେଇଠି ପୁଣି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେହି ମାଛ ଧରାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମାଛ ଧରାଳି ପ୍ରଥମେ ଜୁଲିଆନାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆଣିଲେ। ପରେ ସେଠାରୁ ଲୋକାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପୁକର୍ତ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲିଆନାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ବଖାଣିଥିଲେ ପୁରା କାହାଣୀ। ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଜୁଲିଆନାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖି ସେହି ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଗଲା। ଚାଲିଲା ଅପରେସନ, ହେଲେ କିଛି ବି ଫୌଜ ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜାହାଜର କିଛି କିଛି ଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲର ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ। ଆଉ ଜୁଲିଆନା ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଭଳି ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଲେ। ଯେବେ ଜୁଲିଆନାଙ୍କୁ 57 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନର ଏହି କାହାଣୀକୁ ଲେଖି ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବହିର ନାଁ ୱେନ୍ ଆଇ ଫେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ଜୁଲିଆନା ଏବେ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସନ୍ତାନ ଓ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ଭାବନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ, କେବଳ ତାଙ୍କର ସାହସ କାରଣରୁ ହିଁ ଆଜି ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଲିଆନାଙ୍କ ସାହସରୁ କେତେ ସାହସ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଖୁବ୍ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।